नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कडोत कला के स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा। इंदौर में चूहे ने नवजात बच्चे को कुरेदा, एमवाई हॉस्पिटल पर उठे सवाल, सीएमएचओ ने दिया जांच का हवाला। विधायक लक्ष्मण सिंह ने फॉर्च्यूनर गाड़ी स्वास्थ्य केंद्र को दी भेंट, एम्बुलेंस के लिए उपयोग में होगी विधायक की गाड़ी। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी सुखद खबर, गृह मंत्री बोले कोरोना को लेकर आ रही सकारात्मक खबरें। उज्जैन जिले की बड़नगर में भाट पचलाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अलग अलग जगह दबिश दी और इस कार्यवाही को अंजाम दिया। सबसे पहले पुलिस ने चंदवा सला गांव से 12 पेटी अवैध शराब जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्यवाही पुलिस ने खरसोत कला गांव में की। यहां शराब परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को 12 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार पुलिस ने चिरोला गांव से भी 12 पेटी शराब जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर 36 पेटी अवैध शराब के साथ 3 जगह से 6 आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हाल ही में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर के ग्राम कडोत कला में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने ग्राम पंचायत और जनता की उत्सुकता और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। बता दें, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के निर्देश पर ग्राम पंचायत कडोत कला की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे सर्व सुविधा युक्त अस्पताल शुरू हो सके। इसके लिए ग्रामीण बढ़ चढ़ कर अस्पताल के लिए आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। यह देख दत्तीगांव ने ग्रामीणों के हौसले और सेवा को बढ़ावा दिया है और उनकी सराहना की है। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में फिर एक बार चूहे द्वारा नवजात बच्चे कुरेदने का मामला सामने आया है। इस घटना के सामने आने के बाद एमवाई प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में प्रबंधक सीएमएचओ का कहना है कि 17 मई को इस बच्चे ने जन्म लिया था और तभी से उसका इलाज एमवाई के बच्चा वार्ड में चल रहा है। इसी बीच बच्चे के साथ जो घटना हुई वह शर्मनाक है। इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, हर बार की तरह इस बार भी सीएमएचओ ने जांच की बात कही है। इससे पहले भी हुई लापरवाही की जांच न जाने किस गुप्त अलमारी में बंद है, जो अब तक लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। और कब ये 27 तारीख को ये बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, तो नर्सरी में भर्ती है अभी तक। और इसकी कल शाम दोपहर बाद जानकारी आई थी कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है, तो तत्काल हमने जांच समिति बना दी है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। इस तरह का जो हुआ है मामला, तो इसमें किसकी लापरवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हमने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी, जिसमें डॉक्टर के अरोरा हैं, डॉक्टर अपर्णा शर्मा हैं और संकेत जैन जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं। उन लोगों ने जाँच प्रारंभ भी कर दी है और मैंने उनको 3 दिवस का समय दिया। मुझे लगता है उससे पहले रिपोर्ट आ जाएगी और जो जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी इस मामले में उनके खिलाफ। कोरोना महामारी के चलते चांचोड़ा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मीनागंज स्वास्थ्य केंद्र को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी एम्बुलेंस के लिए दे दी है। अब यह वाहन चांचोड़ा के आसपास ग्रामीण इलाकों से मरीज को लाने और ले जाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ऐसे समय में मरीजों के उपचार के लिए स्वयं का निजी वाहन देना ये उनकी दरियादिली को साबित करता है। इसके लिए सभी ने उनका आभार भी व्यक्त किया है। चांचोड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आपने सेवा का अवसर दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करूं, और ऐसे कठिन समय में जो मुझसे बन सकता है मैं कर रहा हूं। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी एम्बुलेंस के रूप में निशुल्क चलाने के लिए शासन को दे दी है। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे खेतिया में संक्रमण को लेकर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में दिखाई दे रही है। यहां प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी काफी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। देखने में आया कि सैंपलिंग का कार्य भी काफी जोरों से चल रहा है। शहर के चौक चौराहों पर आने जाने वालों से
पूछताछ तो हो ही रही है, लेकिन साथ में उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। सैंपल अभी भी निरंतर लिया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम यह है कि बड़वानी जिले के साथ साथ खेतिया की भी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को लेकर काफी सकारात्मक खबरें सामने आ रही है। उन्होंने आंकड़ों को गिनाते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में 5,538 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वहीं 10,885 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। ऐसे में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगले हफ्ते सभी दुकानें भोपाल की खुल सकती है। खासतौर पर किराना दुकानों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते से खुल सकती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर भी गृह मंत्री ने तंज कसा और कहा कि इन्हें मुर्दों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है, इन्हें जनता के दर्द की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन लगता है कमलनाथ अघोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जहां भी देश के स्वाभिमान की बात होगी वहां पर सवाल जरूर खड़े करेंगे। अब ये जनता के साथ क्रूर मजाक है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इन्हें मुर्दों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन पीड़ित मानवता की सेवा के लिए इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। इन्हें किसान की आवाज नहीं सुन रही, ये जनता की आवाज नहीं सुन रहे, ये बीमार की आवाज नहीं सुन रहे, दुखी की नहीं सुन रहे, यहां तक कि इनके भी विधायक आईसीयू में थे, उनकी आवाज नहीं पहुंची इन तक, ये नहीं गए देखने किसी को भी, लेकिन कब्रिस्तान पहुंच गए मुर्दों की बातचीत सुनने। कांग्रेस की अघोरी है क्या कमलनाथ? हद है, मतलब आप ट्वीट उनके देखें। आज जब जनता को सहानुभूति की जरूरत है, सहानुभूति के दो शब्दों की जरूरत है, तब मुर्दों की बातचीत सुनाई पड़ रही कमलनाथ जी को। ठीक है आप नहीं बोल सकते सहानुभूति के दो शब्द, ठीक है आप नहीं किसी गरीब की सेवा करना चाहते हो, सोने का चम्मच मुंह में पैदा होने वाले लोगों, तो कम से कम मजाक तो मत करो जनता के साथ। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में लापता बच्चे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृत बच्चा 6 दिनों से लापता था। परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। अब पुलिस को गांव के ही जंगल में संदिग्ध अवस्था में बच्चे का शव मिला है। अब ऐसे में पुलिस अपहरण कर हत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिविंदर है। क्या घटना हुई बच्चे का आज बॉडी मिली? बच्चे का 12 तारीख की शाम से देखा गया था गांव में सड़क पर। तभी से गायब था? तभी से गायब था। और काफी तलाश भी किया, सारे जंगल वगैरह शहर में भी ढूंढ के ले गए थे बच्चे को। जो जैसा फोन आ रहा जिसका तुरंत वहाँ पहुँच जा रहे थे। और आज सुबह पता पड़ी कि वहाँ आस पास किसान जाते हैं, तो बॉडी पड़ी हुई मिली थी। तो किस हालत में मिली थी बॉडी बच्चे की? बॉडी तो डैमेज हुई पड़ी थी, टांग नहीं है, साइड में एक बाजू नहीं है बच्चे की। आज सुबह हाफिजपुर थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के निकट एक गड्ढे में नाबालिग बच्चे की डेडबॉडी मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बच्चे की शिनाख्त कराई गई और डेडबॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मौचरी पहुंचाया गया। इस संबंध में अभियोग कूर से पंजीकृत है। विवेचना में दो नाम प्रकाश में आए, दो लड़कों के नाम, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बच्चे की हत्या करना स्वीकार किया है। ये दोनों लड़के बच्चे के साथ खेलने जाते थे। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज़।